नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। यूपी की अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है। इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया है। वहीं इस बीच सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि अयोध्या में दी गई जमीन पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के नाम पर नहीं होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट ने बताया कि मस्जिद निर्माण में शिलान्यास की इस्लाम में इजाज़त नहीं है, सिर्फ नींव खोदकर मस्जिद की शुरुआत होती है। ऐसे में सीएम योगी का शिलान्यास कार्यक्रम में आने का कोई सवाल ही नहीं है, मगर जब इस ज़मीन पर अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी तब सीएम योगी आदित्यनाथ को ज़रूर आमंत्रित किया जाएगा। ट्रस्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 एकड़ ज़मीन पर प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के जगह परिसर में बनने वाले अस्पताल, स्कूल, कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी और दूसरी जन सुविधाओं के शिलान्यास पर बुलाएंगे। मस्जिद के प्रस्तावित नाम को लेकर ट्रस्ट ने कहा कि अभी नाम को लेकर फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए नमाज अहम है, ना कि मस्जिद का नाम, लेकिन ये साफ है कि हम मस्जिद का नाम मुगल सम्राट बाबर के नाम पर नहीं रखेंगे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।